अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं, हमारे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं और आप लोग स्वस्थ रहो मस्त रहो, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं अपने घर में बूंदी का रायता। तो आज हम बनाएंगे बूंदी का रायता। तो हमने मठा लिया है दोस्तों, ये हमारे मामी के घर से मठा आ गया था, तो मेरी सासू माँ लाई थी मामी के घर से। तो दोस्तों चलो चलते हैं, हम रायता बनाते हैं बूंदी का स्वादिष्ट रायता। और हमने बेसन घोल लिया है बूंदी बनाने के लिए। तो चलो दोस्तों सबसे पहले हम बूंदी बना लेते हैं। और हमने कढ़ाई रख दी है तेल गर्म होने के लिए। तो हमारा तेल गर्म हो चुका है दोस्तों, अब चलो बूंदी बना लेते हैं सबसे। तो हमने ये बेसन घोल लिया था दोस्तों और इसमें थोड़ा नमक मिला लिया था जिससे बूंदी का अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों। और अब हम बना लेते हैं बूंदी। तो हमने ये जरिया ली है जालीदार, तो अब हम जरिया की मदद से बूंदी बना लेते हैं दोस्तों। और घर की बूंदी बनाकर रायता बनाओ तो रायता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है दोस्तों। तो हम हमेशा घर की बूंदी बनाकर ही रायता बनाते हैं, जो मार्केट की बूंदी आती है ना तो उसको रायता अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। तो आप लोग भी घर की बूंदी का रायता बनाया करो दोस्तों, अच्छा लगता है। और दोस्तों देखिए हमारी बूंदी अच्छे से बन गई है, कितनी अच्छी बूंदी बनी है हमारी, देखिए बिल्कुल मार्केट जैसी बूंदी बनी है दोस्तों हमारी। तो हम सारी बूंदी को ऐसे ही बना लेंगे और हमें बूंदी को मीडियम आंच में सेकना है दोस्तों। तो हम जल्दी से सारी बूंदी को बना लेते हैं। और दोस्तों गर्मियों में रायता बहुत ही अच्छा लगता है, अभी तो हल्की हल्की सर्दी है और अभी गर्मी पड़ने लगेगी तो और भी ज़्यादा रायता अच्छा लगने लगेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमारी सारी बूंदी बन गई है, बिल्कुल खस्ता बूंदी बनी है, कुरकुरी एकदम। तो दोस्तों देखिए हमारी बूंदी कितनी अच्छी दिख रही है दिखने में। और हमारी बूंदी बन गई है, अब हम जीरा भून लेते हैं तवा पर रायते के लिए। तो हमारा जीरा भून गया है और अब हम मिट्टी का दिया गैस पर गर्म होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि मिट्टी के दिए से रायता झुका हुआ अच्छा लगता है दोस्तों। तो वहाँ पर हमारा दिया गर्म हो रहा है और हमें यहाँ पर धनिया मिर्ची और खड़ा काला नमक और जीरा अच्छे से पीस लेते हैं बारीक। तो दोस्तों आप लोग इस तरीके से धनिया मिर्ची और काला नमक जीरा पीस कर रायता बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी रायता बनता है। तो दोस्तों हम हमेशा ऐसे ही रायता बनाते हैं चटनी पीस कर। तो हमने चटनी को पीस ली है दोस्तों। अब हमने ये लिया है मठा, तो ये मठा हमारी सासू माँ मामी के घर से लाएंगी। तो हमने मठा को एक बड़े भगोने में निकाल लिया है और अब हम इसमें डालेंगे यही चटनी जो हमने पीसी है। तो अब चटनी को अच्छे से मिक्स कर देंगे दोस्तों, अच्छे से मिला देंगे। तो हमने चटनी को अच्छे से मिला दिया है और अब हम इसमें डालेंगे बूंदी। और दोस्तों हमारा मठा पहले से ही बहुत गाढ़ा था तो हमने इसमें पानी नहीं मिलाया है, क्योंकि मठा हमारा अच्छा गाढ़ा है और खट्टा नहीं है। खट्टा होता तो हम इसमें थोड़ा पानी मिलाते, तो हमने इसमें पानी नहीं मिलाया है फ्रेंड्स मठा में, क्योंकि सर्दियां हैं तो सर्दियों में खट्टा मठा नहीं होता है। और अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर मिर्ची पाउडर और रायता मसाला। तो अब हम सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर इसमें डालेंगे हम नमक। तो हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है दोस्तों। और अब हमने सभी को मिक्स कर दिया है। अब हमारी सासू माँ लगा रही है रायते में चौका, क्योंकि हमारे संग एक बार हादसा हो गया था रायता में चौका लगाते समय। जब से हम रायते में चौका नहीं लगाते हैं दोस्तों, तो मेरी सासू माँ लगा रही है चौका। तो दिया हमारा गर्म हो गया है, उसमें मेरी सासू माँ ने जीरा डाल दिया है और तेल डाल दिया है। तो अब हमारे दिए में आग लग जाएगी, फिर मेरी सासू माँ रायते में बघार लगाएंगे। तो दोस्तों सासू माँ ने लगा दिया है रायते में बघार। तो देखिए दोस्तों हमारा बूंदी का रायता बनकर तैयार हो गया है गाढ़ा गाढ़ा। और अब हमने इसमें डाल दिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो देखिए दोस्तों हमारा स्वादिष्ट रायता बनकर तैयार है।
और दोस्तों अब रायता देखकर रहा नहीं जाता, जय लग रही है अब कब खाते हैं रायता। तो दोस्तों हम जल्दी से परोस लेते हैं रायता। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 11 और सभी को लगा ही है भूख, तो हम जल्दी से खाना परोस लेते हैं, सभी के लिए थाली लगा लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए जल्दी से जब तक हमारी थाली लग रही है रायता से रोटी खाने के लिए। तो दोस्तों हमारी थाली लग गई है, तो आप लोग जल्दी से आ जाइए। और बूंदी का रायता हमारे पिल्लू का और हमारे पतिदेव का फेवरेट है। पिल्लू, हाँ। रायता कैसा बना? अच्छा। अच्छा बना? हाँ। किसने बनाया? तुमने, मम्मा ने। अच्छा तो खा लो। हाँ। दोस्तों खिला दो। तो दोस्तों हम खाना परोस कर लाए हैं धूप में, तो अब हम सभी लोग खा लेते हैं खाना और आप लोग भी खा लीजिए दोस्तों रायता। और दोस्तों आप लोगों को रायता बनाने की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों आप लोग ज़रूर बनाएं इस तरीके से बूंदी का रायता, सच में दोस्तों बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा, सॉरी ब्लॉग नहीं रेसिपी, ब्लॉग समझ लो चाहे रेसिपी, ब्लॉग रेसिपी कैसी लगी दोस्तों आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो अपने प्यारे से हाथों से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे फ्रेंड्स, अब मिलेंगे एकदम न्यू ब्लॉग में। तो अभी के लिए बाय बाय।